नमस्कार दोस्तों, श्री ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे नया वीडियो पाने के लिए जरूर बेल आइकन दबाइए। तो चलिए आज कुछ नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हुआ आप लोगों के लिए, तो उसी के बारे में बात करते हैं। गूगल पिक्सल 4 की तरफ से नया लेटेस्ट अपडेट आया है। गूगल ने खुद ही पिक्सल 4 का फोटो लीक कर दिया ताकि ये फोटो ट्रेंडिंग में आ सके। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। 5 होल डिस्प्ले के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा और इस फ़ोन के पीछे स्क्वायर कैमरा आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर 3 कैमरा होगा एंड एक फ्लैश लाइट होगा अब तक देख के जो पता चला है। और इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होने वाला है और इसमें लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होगा और इसमें USB-C टाइप पोर्ट नहीं मिलेगा दोस्तों। और अभी इस फ़ोन के बारे में ज़्यादा बात करना बेकार होगा दोस्तों, अब देखते हैं बाकी लीक कब आता है। जब भी इस फ़ोन के बारे में नया अपडेट आएगा तभी मैं आप लोगों को इसी चैनल के थ्रू मैं अपडेट कर दूंगा, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दूसरा जो अपडेट आ रहा है वो वीवो Z1 Pro की तरफ से। पहले तो इसका जो लीक था उसका प्रोसेसर जो पहले बोला गया था स्नैपड्रैगन 710 होगा, लेकिन अब निकल के आ रहा है 712 प्रोसेसर होगा एंड सेल्फी कैमरा जो था पहले बोला था 16 मेगापिक्सल होगा, लेकिन आप लीक के जो कन्फर्म अपडेट आ गया उसका सेल्फी कैमरा होगा 32 मेगापिक्सल, बैटरी जो होगा 5000 mAh का बैटरी। तो आगे देखते हैं ये फ़ोन इंडिया में कब आता है, कब लॉन्च होता है। तो दूसरा जो अपडेट आ रहा है वो मोटोरोला वन एक्शन की तरफ से, ये फ़ोन 20 तारीख को इंडिया में लॉन्च होने वाला है दोस्तों। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। मोटोरोला वन एक्शन ये फ़ोन 5 होल डिस्प्ले टीपी रेयर कैमरा के साथ लॉन्च होगा इंडिया में 20 जून को। चिपसेट जो होगा स्नैपड्रैगन Exynos 9609 पर ये काम करेगा। रैम होगा 4GB, स्टोरेज होगा 128GB, बैटरी जो होगा वो 3500 mAh का होगा और एंड्रॉयड 1 के साथ ये फ़ोन लॉन्च होगा। अभी से ये फ़ोन के बारे में ऐड आना शुरू हो गया है फ्लिपकार्ट के ऊपर, तो आप लोग अगर लेना चाहे तो दोस्तों आप लोग वेट कर सकते हैं थोड़े दिन के लिए। तो आगे जब भी इसका नया अपडेट आता है तो मैं इसी चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा दोस्तों। आज यही तक था, मिलता है अगले किसी न्यू फ्रेश वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों।